हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रानी दास आर्ट। और मैं हूँ चंद्रानी। जैसे कि आप लोग इस वीडियो के पहले देख चुके हैं, आज इस सेशन में हम लोग इस पेंटिंग को बनाएंगे जो कि एक मैजिकल मशरूम है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड चूज़ करना है, जो कि एक ब्लूइश बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी चूज़ कर दी है। एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं कलर ऐड कर रही हूँ। ये काइंड ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, इससे मिलता जुलता कुछ ब्लेंडिंग मूड, ऐसा मैंने एक लुक एंड फील इसके लिए सोची थी, तो वही यहाँ पे दे रही हूँ। एज ये फॉरेस्ट वाली कुछ पार्ट है, इस पे इसके बैकग्राउंड में कुछ नेचर वाली लुक एंड फील लाने के लिए मैं ब्लू और ग्रीन ये कलर दे रही हूँ। अभी सिलेक्शन टूल की मदद से हर एक पार्ट को मुझे कलर करना है, वो भी अलग अलग लेयर्स पे, जैसे कि मैं करती हूँ। कलर चूज के लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप जो भी कलर चूज करेंगे आप चूज कर सकते हो। होता है ना, बचपन पे होते थे ना, जब हम स्केच पेंस यूज करते थे, पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, जो भी ऑरेंज, जो भी आपका मनपसंद हो, आप बेस कलर आप डाल सकते हो। तो उसके बाद जब आप उस बेस कलर के ऊपर कुछ शेड्स वगैरह दोगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, डार्क कलर, मतलब जहाँ पे शेड होगा वहाँ पे डार्क कलर होगी, और जहाँ पे लाइट होगा वहाँ पे लाइटर कलर। अभी आप उससे थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, इस मशरूम पे मैंने थोड़ा सा कलर को एक कलर के साथ थोड़ी सी प्ले की है, जैसे कि जो मेरा जो बेस कलर था वो रेड था, लेकिन जो डार्कर कलर है वो डार्क पिंक है, ठीक है, और जो लाइटर कलर है, लाइटर पोर्शन है, वो ब्राइट ऑरेंज है। तो हो गया ना, तीन कलर हो गया। और इसका जो एक डार्कर कलर जहाँ पे शेड पड़ेगी, वहाँ पे एक ब्लूइश काइंड ऑफ कलर मैंने दी है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर दी है, एक रियलिस्टिक और एक मैजिकल टचअप देने के लिए। तो इस तरह से आप लोगों को भी थोड़े से कलर को लेके देखना पड़ेगा, ठीक है, घबराना नहीं। जो भी कलर होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा। थोड़ा सा आपको जो ध्यान में रखना है वो है लाइट और जो डार्क कलर, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको ध्यान में रखना है, मतलब डार्कर कलर के पास ही आपको डार्कर कलर यूज नहीं करना है, ठीक है। आप डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट, इस तरह से अगर मेंटेन करते रहोगे तो आप जो भी कलर चूज करोगे वो जाहिर सी बात है वो अच्छी लगेगी। तो खैर, हम लोग मशरूम के जो नीचे की जो पार्ट है वो अब कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे डिसाइड मैं नहीं कर पा रही थी कि कौन सी कलर मैं अप्लाई करूँ, इसीलिए एक ग्रीन कलर मैंने दे दी है। मतलब बहुत सारा ग्रीन का एक वैरायटी यहाँ पे आपको दिखेगा। और सेम वो जो टेक्सचर ब्रश आप देख रहे हो, जैसे कि मैं बताती हूँ हर एक वीडियो पे, मैं वही टेक्सचर ब्रश यहाँ पे बना के यूज़ की है, अलग से कोई भी डाउनलोड नहीं की। तो अब जो भी कलर आपको देना है वो ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी करके डिटेल आपको ऐड करना है। ओके, तो अभी यहाँ पे
हम जो मशरूम की जो स्टेम है उसको लोअर पार्ट है, शायद उसे स्टेम ही कहते होगी, तो उस पार्ट को हम करेंगे आपको कलर देती जाना है और देने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिटेल्स भी करते जाना है। आप पहले जब कलर करोगे डिटेल, मतलब लास्ट लास्ट पे डिटेल ऐड करोगे, लेकिन उससे पहले जब भी आप ब्रश लोगे वो सॉफ्ट राउंड ब्रश होगा तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक शेड बना रहता है उसके ऊपर आप हार्ड राउंड ब्रश जो होता है उससे डिटेल ऐड करोगे, मतलब लाइंस वगैरह ऐड करोगे। अब ये आ गया सेकंड मशरूम, इस पे भी आप देख सकते हो मैं थोड़ी सी कलर को लेकर इधर उधर की है, मतलब डार्कर कलर पे जो कलर बेस कलर है उसी की एक शेड पे मैंने नहीं रखा है, कलर को थोड़ा सा चेंज की है। इस तरह से आप लोग भी कोशिश कर सकते हो तो वो खैर अच्छा लगेगा देखने में और थोड़ा मतलब प्रोफेशनल लगेगा। मशरूम मतलब ओवल शेप पे होता है, मशरूम ओवल शेप पे होता है तो उसके ऊपर जो छोटी छोटी जो सर्कल्स होते हैं वो सर्कल आप जब देखोगे आपको पूरा सर्कल नहीं दिखेगा, एज मशरूम की ओवल शेप है तो इसीलिए उसके ऊपर जो भी सर्कल्स होंगे वो भी ओवल शेप के ऊपर रैपिंग होगा, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा जो सर्कल होगा उसका जो शेप है वो उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। फिर से एक स्टेम आ रहा है तो उसको भी सेम टू सेम जैसे मैंने दूसरा कलर की है उसको भी सेम टू सेम मैंने इसी तरह से कलर की है। और मशरूम ड्रॉ करना बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। आप लोगों को टेक्सचर ब्रश मैंने दिखा दिया है, आप देख भी सकते हो इधर पे मैंने ब्रशेस का जो ऑप्शन है वो भी ऑन करके रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो एंड आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप नहीं भी करोगे तब भी आपकी ड्राइंग उतनी ही ब्यूटीफुल एंड ब्राइट दिखेगा। अभी यहाँ पे जो स्टेम है वो थोड़ी सी डार्क कलर होगा क्योंकि ये राउंड शेप है तो इसका थोड़ा सा अभी डार्क कलर जाएगा। अब इसके नीचे और एक स्टेम है तो उसको भी हमें कलर करना पड़ेगा, लेकिन ये कलर सिंपल कोई एक कलर पे नहीं होगा, आप कलर मिक्स करके दोगे तो आपका जो कलर होगा वो मतलब लास्ट पे जो कलर आएगा वो अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत लिप है उसको हम ठीक करेंगे, उसको हम कलर करेंगे तो वो मैं कर रही हूँ अभी। आप लोग ट्राई करते रहो, सच में इस तरह की ड्राइंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर वक्त मैं इस तरह से ड्राइंग करती जाऊंगी, लेकिन क्या करूं मेरा भी कुछ काम रहता है इसलिए हर वक्त मैं ड्राइंग नहीं कर सकती, लेकिन खैर आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना और मुझे बताना कि आप लोगों को इस काइंड ऑफ ड्राइंग या इस काइंड ऑफ पेंटिंग करने में कितना मज़ा आ रहा है और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, ठीक है। और यहाँ पे हार्ट शेप का कुछ फ्लावर्स वगैरह मैंने ऐड की है तो उसके ऊपर मैंने अभी कलर देना स्टार्ट की है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मतलब मैं कलर के साथ इस ड्राइंग पे कलर के साथ बिल्कुल खेल रही हूँ, मतलब एक कलर एक ही शेड पे एक ही कलर की शेड मैं नहीं दे रही हूँ,
आप ट्राई करते रहो, आपको भी सेम रिजल्ट मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपका ड्राइंग उतनी शार्प होती रहेगी। अभी मैं ये नोटिस कर रही हूँ, मेरी पिछली जो ड्राइंग थी उससे कई गुना अभी मुझे इस काइंड ऑफ ड्राइंग में मेरी जो इम्प्रूवमेंट है वो मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों को भी दिखाई देगा, तो खैर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस स्टेप बाय स्टेप आपको लेना है। जैसे कि पहले जो मैं वीडियोस बनाती थी वहाँ पे मैं आपको बताती थी कि एक ही कलर के लिए एक ही शेड, मतलब अगर रेड कलर आप बेस कलर के ऊपर लेते हो तो आपको डार्क रेड डार्कर पोर्शन के लिए और ब्राइट रेड लाइटर पोर्शन के लिए लेना चाहिए। लेकिन इस ड्राइंग पे आप देख सकते हो मैंने वैरायटी यूज़ की है कलर की, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटी थी, लेकिन आई होप इससे आप मशरूम कैसे ड्राइंग करते हैं या फिर आप कह लीजिए मशरूम को कैसे पेंट करते हैं वो आपको पता चल गया होगा। तो अगर आप वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट पे मुझे ज़रूर से बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसा लग रहा है। आप लोगों का जो कमेंट है वो पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है और वीडियोस बनाने का मन भी करता है। इसी तरह बने रहिए इस चैनल से, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और डिजिटल पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी चैनल की फैमिली बन जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं फिर से न्यू वीडियोज़ लाऊंगी, उस पर मिलते हैं। बाय बाय, आप एंजॉय कीजिए वीडियो को।